Three numbers that are given to me. Second question, third part. 106, 159, 165. See, when you have such numbers where you can see टू थ्री बहुत सारे नंबर्स चेक करने प्राइम्स चेक करने के बाद भी कॉमन नहीं नजर आ रहा. सो इन सच सिचुएशंस इट इज बेटर यू गो बाय इंडिविजुअल फैक्टराइजेशन एंड देन वी विल सी द कॉमन फैक्टर आउट ऑफ ऑल. सकते में शायद एक लाइन नहीं दिख रही मेरा समझ. सो हम क्या करते हैं, 106, 159 एंड 165 को इंडिविजुअली फैक्टराइज कर लेते हैं. बिकॉज व्हेन आई एम लुकिंग एट दीज थ्री नंबर्स, टू इज द प्राइम दैट इज नॉट देयर इन दीज टू नंबर्स, देन आई विल गो फॉर थ्री, नॉट द फैक्टर ऑफ दिस, फाइव नॉट द फैक्टर ऑफ दीज. सो इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड द फर्स्ट कॉमन फैक्टर. गो हाँ बाय इंडिविजुअल नंबर्स, फैक्टराइज 106, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? टू इज द फैक्टर. फिफ्टी थ्री And here it'll go by three, three fives are, three threes are. And here एंड the हियर बोलो 165. फर्स्ट प्राइम फैक्टर फाइव फाइव से फिफ्टी से, फाइव से करेंगे तो क्या आएगा? थ्री 53 कैसे आया यार, 165 ही है ना. हाँ तो 1 5 थ्री जा 15. आई एम गेटिंग 33 नॉट 53. सो टेल मी व्हाट शुड बी द एचसीएफ. नाउ टेल मी व्हाट शुड बी द एचसीएफ. फाइव एम One. You have to be careful in वन cases. See, 106 divided by 2 is giving me 3. 159 divided by 3 is giving me 53. But 165 when I divide it by 5, 5 threes are 15, 5 threes are 15, 33. So 106 is 2 into 53. 159 is 3 into 53, but 165 is 5 into 33. There is no factor which is common in all three. And in such situations, what is the HCF? वन Here, the HCF is 1. वन ये बात समझ में आई है सभी को? यस To be quite careful while calculating your factors. So, second question, all three parts, we have got the answer. First part, 18 is the HCF. For second, 10 is the HCF. And for the third, 1 is the HCF. Why 1? Because 2 is in this number, not in these two. 53 is in these two numbers, not in this. 5, not in these two. 33, not in these two. So, there is, एसक्यूरी yeah. We can further go for 3 and 11 prime factorization की बात अगर हम करें, but still common factor कोई नहीं मिलने वाला. मैम हाँ जी बेटा, समझ उन्हें समझ नहीं आया. नहीं, क्या समझ नहीं आया बेटा ये बताओ मुझे. See, we had to find out HCF of these three, means highest common factor of 106, 159, 165. Okay, one is you do the prime factorization of all numbers taken all at a time. But when we looked at these three, we were not able to get any common prime factor. Okay. So what we have done is we have taken the numbers individually और फिर उनके प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करने की कोशिश करी. जब 106 में देखा टू प्राइम फैक्टर है, फर्स्ट 106 को 2 से डिवाइड करोगे तो 53 आ जाएगा. 159 को 3 से डिवाइड करोगे तो 53 आ रहा है. 165 को 5 से डिवाइड करें तो 5 3 सा 15, 5 3 सा 15 एंड देन 3 इज द फैक्टर, सो आई हैव टेकन 11. नाउ
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑल थ्री नंबर्स वी हैव रिटन, बट फॉर फाइंडिंग आउट एच सी एफ व्हाट वी नीड टू लुक इनटू, हमें चाहिए होता है वो फैक्टर जो सब नंबर्स में पड़ा हो, जो वो वाला नंबर जो सबका फैक्टर्स हो, वो उठाते थे और उसकी लीस्ट पावर ले लेते थे। अभी यहाँ कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा मुझे, यहाँ जो दो फैक्टर हैं वो इसमें नहीं है जो इसमें, मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो तीनों में पड़ा हो। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में एफसीएफ क्या होगा आपका? वन जिसको समझ नहीं आया तो अभी अभी समझ में आया है बेटा, चलिए ठीक है जी। सो अब हम चल रहे हैं असर्शन रीजन पर। असर्शन रीजन में हमें क्या दिया है? HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स हुज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको नंबर नहीं दिया गया, आपको नंबर्स के प्राइम फैक्टर बना के दे दिए गए, आपका काम आसान कर दिया गया है। अभी तक नंबर्स दिए थे, उनके प्राइम फैक्टर्स हम बना रहे थे, फिर उनमें से हम LCM और HCF निकाल रहे थे। अब आपका काम थोड़ा सा आसान कर दिया गया, प्राइम फैक्टर्स पहले ही दे दिया उन्होंने, ठीक है जी। एक नंबर के प्राइम फैक्टर हैं 2 × 3^5 × 5 × 7, दूसरा नंबर है 2^2 × 3 × 5 एंड तीसरा नंबर है 3 × 7। अब आपसे कहा गया इसका HCF बताओ, पहले चलो HCF की बात कर लेते हैं। लो जी, अगर तीन नंबर जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये गिवन है तो इसका HCF क्या होगा? HCF के लिए मुझे क्या देखना था, जितने प्राइम पड़े हैं सारे उठा लूं या सिर्फ वही वाला प्राइम उठाऊं जो सब में पड़ा है? जो सब सब में में पड़ा पड़ा है है, थ्री। कौन सा पड़ा है? थ्री हाँ इज देयर इन ऑल द नंबर्स, सो आई हैव टेकन थ्री। और अब थ्री का पावर मिनिमम वाला पावर या मैक्सिमम वाला पावर? मैक्सिमम वाला पावर मिनिमम। मिनिमम। बच्चों ये कंफ्यूजन नहीं रखना हमें, जब आप एच सी एफ की बात करते हो तो सबसे छोटी पावर कॉमन फैक्टर की, यहां पर 3 की पावर 1, यहां भी 1, यहां 5, सो आंसर इज गोइंग टू बी 3। अगर ऐसे कंफ्यूजन, वैसे होनी नहीं चाहिए, दूसरा मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है लिखने के लिए, इसको ऐसे लिख दूं 3^5 मीन्स 3 इज बीइंग मल्टीप्लाइड 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स। सेकेंड नंबर 2 इज देयर 2 टाइम्स, देन 3, देन 5 एंड थर्ड इज 3 × 7। वेन यू आर लुकिंग फॉर एच सी एफ देन मार्क आउट, कैन यू मार्क एनी अदर थिंग विच इज कॉमन नो विच इज इन ऑल थ्री? No. यहां पर 3 अगर एक और पड़ा है तो और कहीं नहीं पड़ा है, 2 यहां पड़ा है, यहां पड़ा है तो यहां नहीं पड़ा है, 5 इन 2 में है इसमें नहीं है, 7 इन 2 में है इसमें नहीं है। सो द ओनली थिंग विच यू आर हैविंग इन ऑल थ्री नंबर इज 3, सो एच सी एफ इज गोइंग टू बी। थ्री। यू कैन डू दिस वे इफ यू गेट कंफ्यूज इन पावर्स, तो यू कैन डू दिस वे। अब जब फिर हम इस मेथड में एलसीएम की बात करेंगे तो कैसे, हाउ विल वी फाइंड आउट द एलसीएम? एलसीएम में हमने क्या कहा था, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं सारे ले लो। कौन से प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं मुझे? 2, 3, 5, 7। सेवन सेवन की हाईएस्ट पावर क्या है? वन 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? वन 2 की हाईएस्ट, 3 की वन हाउ मेनी हाउ टाइम्स मेनी टाइम्स थ्री इज अपियरिंग फाइव एंड टू इज अपियरिंग ट्वाइस? सो एलसीएम इज दिस एंड एचसीएम इज। अब देखो जरा सर्शन में हमें क्या इको इको आ रही है, आ कितने रही माइक अपना अपना दर्शन ट्रू। assertion is true because यहाँ पर HCF was given to be 3 and LCM was given to be 2 square 3 power 5 5 7, so assertion is
रीजन रीजन भी ट्रू देख लेते हैं। द कॉमन फैक्टर ऑफ 34 एंड 38, कर लो फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन 34 38 की। 1 तो सभी का फैक्टर है, पता ही है हमें। 34 और 38 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो जल्दी जल्दी, देखें जरा क्या करते हो। टू 17, बस जी प्राइम आ गया। सो द फैक्टर्स ऑफ 34 आर 2 एंड 17। देन वी हैव 38। 38 में चले तो 2 एंड 19, 19 इज अगेन प्राइम। सो 38 के फैक्टर्स 2 एंड 19, 34 के फैक्टर 2 एंड 17। यू आर बीइंग आस्क्ड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 34 एंड 38, आर दे 1 एंड 2? यस, 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स एंड यू कैन सी 2 इज देयर इन द गिवन नंबर्स। सो असर्शन ट्रू, रीजन भी ट्रू। But reason does not explain the परफेक्ट, रीजन डज नॉट एक्सप्लेन दी असर्शन, सो माई आंसर शुड बी assertion. बी पार्ट। जिसको अब ये समझ में नहीं आया वो बताओ मुझे पहले। एलसीएम एचसीएफ जो असर्शन वाला पार्ट है वो किसको समझ में नहीं आया? असर्शन वाले पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करके दी गई थी। एचसीएफ के लिए हमने क्या कहा? यू हैव टू लुक फॉर द फैक्टर विच इज कॉमन इन ऑल एंड टेक इट्स लीस्ट पावर। फॉर एचसीएफ यू हैव टू टेक, फॉर एलसीएम यू हैव टू टेक ऑल द प्राइम्स एंड यू हैव टू टेक देयर ग्रेटेस्ट पावर। इसको उल्टा समझ के भी याद कर सकते हो। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और उसमें पावर कौन सी लेनी है? हाईएस्ट। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और उसमें पावर कौन सी लेनी है? तो उल्टे चलते हैं। एलसीएम में सारे मैम, मामा, हमें असर्शन समझ नहीं आया. मैंने इसीलिए वापस पूछा कि असर्शन समझ में आया कि नहीं। असर्शन में मुझे पता है कि कंफ्यूजन हो सकती है। लो जी, असर्शन को एक बार दोबारा हम देख लेते हैं बेटा। मुझे 3 नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी थी, 2, 3 पावर 5, 5 एंड 7। सेकेंड में दिया है 2 स्क्वायर 3 एंड 5 और थर्ड नंबर है 3/7। एचसीएफ में प्रॉब्लम है या एलसीएम में प्रॉब्लम है पहले मुझे ये बताओ। दोनों दोनों में में है। अब पहले आप ये बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एलसीएम एचसीएफ का मेथड जो मैंने समझाया, एक बार ध्यान से सुनना पहले, राइट? एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको कोई भी नंबर दिए हैं उनका ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है सभी नंबर्स का? पहले ये बताओ मुझे बेटा। मैम. ठीक है जी। अब एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या देखना है? हमें इन 3 नंबर्स में से वो वाले प्राइम नंबर उठाने हैं जो तीनों में पड़े हों। अब आप ही ने मुझे देख के ऑब्जर्व करके बताना है कौन सा ऐसा नंबर, ऐसा प्राइम है जो तीनों में पड़ा है। 3. थ्री। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। तो अब ध्यान से सुनना, पहला काम था एचसीएफ के लिए जो सब में पड़ा है वो फैक्टर उठा लेना है और उस वो कम से कम कितनी बार किसी भी नंबर में आ रहा है वो देखना है। यहां पर 3 कितनी बार आ रहा है? यहां पर 1 टाइम और यहां पर? इन 5 टाइम. इनमें से कम कौन सा है, सबसे कम कौन सा, कितनी बार? 1 टाइम। बस, तो फिर 3 पावर 1, दिस विल बी योर एचसीएफ। फाइन, ओके मैम. समझ में आ गया अभी है? अब एलसीएम की बात सुन लो। एलसीएम में हमने क्या देखना है? जितने भी प्राइम नंबर दिख रहे हैं सारे के सारे लिख लो पहले, 2, 3, 5, 7, सारे के सारे लिख लो। अब ये नहीं देखना कि कौन सा किसमें है और किसमें नहीं है ना, जितने भी प्राइम दिखते हैं सारे के सारे देख लो। और अब क्या देखना है? ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और जब लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हो तो जितनी ज्यादा बार आया है हाईएस्ट पावर उठानी है अब आपने प्राइम्स की। 2 यहां पर 1 बार, यहां पर 2 बार, यहां है ही नहीं, तो इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो बड़ा कौन? 2, तो यहां पे 2 पावर। ठीक है जी। अब 3 में सबसे ज्यादा क्या, कितनी बार आ रहा है? 5 बार। 5 इज कमिंग वंस ओनली, 7 इज कमिंग वंस ओनली।
अभी बात समझ में आई है बच्चे? एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए जितने भी प्राइम फैक्टर नंबर्स में नजर आ रहे हैं सारे उठा लो। नाम में है लीस्ट, लेकिन पावर उठानी है हाईएस्ट हर प्राइम की। एचसीएफ में सिर्फ वही वाला फैक्टर उठाना है जो सब में पड़ा है। नाम है हाईएस्ट कॉमन, लेकिन पावर उठानी है लीस्ट। उल्टा काम करना है। हाईएस्ट कॉमन पावर में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लीस्ट पावर, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट पावर। अभी भूलेगा तो नहीं? चलिए फिर नेक्स्ट असर्शन पर चलते हैं। फैक्टर ट्री बनाया गया है आपके मैम का, और उसमें हाँ जी मैम लीव हो गई थी मैम, जो आपने फर्स्ट वो करवाया है ना अक्षर मैम, रीजन एंड अक्षर मैम, वो आप फिर से समझा दोगे? तीन बार कर चुके हो। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, चलिए। 2 × 3 power 5 5 7, दिस इज वन नंबर। 2² 3 5, दिस इज सेकेंड नंबर। 3 7, दिस इज थर्ड नंबर। ठीक है जी। एचसीएफ निकालने के लिए बच्चे ध्यान से सुन लो क्या करना है। वो वाला प्राइम फैक्टर उठाना है। अब पहले ध्यान से, इधर बातों में ध्यान नहीं है बच्चे, जिसने पूछा था मेरे से 6C से। लुक एट व्हाट वी आर डूइंग ऑन द बोर्ड, राइट। अब आपको वो वाला प्राइम फैक्टर उठाना है बच्चे जो तीनों नंबर्स में पड़ा है। ऐसा कौन सा प्राइम फैक्टर है जो तीनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में पड़ा हुआ है? बोलो बेटा। मैम हाँ जी, कौन सा प्राइम फैक्टर जो तीनों में पड़ा है? थ्री थ्री। थ्री एक बात, एक चीज बात क्या बोली क्या मैंने, बोली हाईएस्ट मैंने कॉमन फैक्टर में जो यहां आपने प्राइम उठाया उसकी लीस्ट पावर, सबसे छोटी पावर। यहां 3 की पावर 5, यहां 3 की पावर 1, यहां 3 की पावर 1। 1 और 5 में से छोटा कौन? मैम वन वन। तो पावर ये हो गया HCF। समझ में आया बात? मैम यस LCM में क्या करना है, जितने भी प्राइम है सारे के सारे लिख लो पहले। तो 2 पड़ा है 3 पड़ा है 5 7, यहाँ 2 3 5, यहाँ 3 7। अब ये नहीं देखना कौन सा किसमें है कि नहीं ना, जहां से भी जो भी प्राइम दिखा उसे उठा के लिख दिया। ठीक है जी। अब यहाँ है लीस्ट मल्टीपल, तो पावर उठानी है हाईएस्ट, सबसे बड़ी पावर हर प्राइम की। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 5 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, और 7 की हाईएस्ट पावर भी 1 है। सो ये होगा मेरा एलसीएम। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बच्चे, ओके अभी बच्चे, तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो वापस पूछ सकते हो। कॉन्सेप्ट बहुत मैम है, गड़बड़ नहीं करनी है। चलिए जी, सेकंड असर्शन। फैक्टर ट्री ऑफ 60 इज गिवन, एबीसी की वैल्यू पूछी गई है, बताओ जरा अपना फैक्टर ट्री बना मैम, लो। वैल्यू ए की टू है, बी की थ्री है, और सी की टू है। बिल्कुल मैम ठीक है जी। 60 का जब सेक्शन ट्रू असर्शन ट्रू, 60 का फैक्टर ट्री बनाना है। एक फैक्टर दो, फिर 3 को फिर से फैक्टराइज किया तो 3 और 10, 10 को फिर से फैक्टराइज किया तो 2 और 5। अब 60 से मैम, एक, रीजन ट्रू। बिल्कुल ठीक है जी, देखते हैं। 30 से एक 3 जा रहा था और 1 10, तो ये हो गया बी, और तीसरा 1 5 और ये सी हो गया। सो ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की 3 हो गई, और सी की 2 हो गई। सो असर्शन कैसा हुआ बच्चों? रीजन है एचसीएफ ऑफ 2 एंड एनी इवन नंबर इज 2। कोई भी इवन नंबर है, लेट अस से 34 है, 2 × 17 और साथ में 2 आ जाए, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? मैम आंसर इज ऑप्शन बी। एग्जैक्टली। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। कह रहे हैं आंसर हम इज बी। ऑप्शन बी, हम बी बी बात।
बिल्कुल ठीक है जी, जिसको समझ में नहीं आया जल्दी से पूछ लो, आई एम रेडी टू रिपीट इफ एनीबडी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। चलिए जी, अगर सबको समझ में आ गया तो हम केस स्टडी पे चल रहे हैं, और जरा ध्यान से सुनना है आपने केस स्टडी को। केस स्टडी में क्या दिया है, वन डे सिक्स क्लास मैथ्स टीचर प्लान अ प्राइम नंबर गेम, शी अनाउंस द नंबर टू इन दी इन हर क्लास एंड आस्क द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय अ प्राइम नंबर एंड देन पास इट टू द सेकंड स्टूडेंट। सेकंड स्टूडेंट ऑल्सो मल्टीप्लाइड इट बाय अ प्राइम नंबर एंड पास इट टू द थर्ड स्टूडेंट। ऐसे ही चलते गए और लास्ट स्टूडेंट को जो नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो है 17325 0, 17325 0। अब आपसे पूछा गया, ही टोल्ड दिस नंबर टू द टीचर, नाउ द टीचर आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स एज गिवन बिलो। पहले इतनी बात समझते हैं कि हमें बोला क्या गया। जैसे आप वो लोग बैठे हैं क्लास में, टीचर ने कहा एक नंबर दो दे दिया, इज टू अ प्राइम नंबर। और अब कहा गया, एक स्टूडेंट जो भी बैठा था उसे कहा गया कि कोई भी प्राइम नंबर और सोचो और उसको टू से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सपोज अभी हम सपोज कर रहे हैं, मान लो जो बच्चा बैठा था उसने नंबर सोच लिया प्राइम नंबर से 5। ठीक है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा। अब वो 10 जो नंबर बना वो उसने अगले स्टूडेंट को बताया और उसको कहा कि अब कोई भी और प्राइम नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। लेटर से उसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बन जाएगा, 30। 30 तो पहला प्राइम नंबर 2 ये दिया टीचर ने, जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसने उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उसको सेकंड स्टूडेंट ने सपोज 3 से मल्टीप्लाई किया। तो मेरे पास यहां तक पहुंचते पहुंचते नंबर क्या बन चुका है, 30 30 30। ऐसे ही उस क्लास में जितने बच्चे बैठे थे उन सब ने जब अपना अपना प्राइम लेकर के पिछले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो जो लास्ट स्टूडेंट था उसने टीचर को आंसर क्या बताया, 30। क्वेश्चन समझ में आया। यस अब आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहली बात, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी क्लास। कैसे पता लगाओगे कि क्लास में स्टूडेंट थे कितने, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। देखो, मेरे पास थ्री दो टीचर ने दो कह दिया, पहला जो बच्चा बैठा था उसने नंबर प्राइम सोचा 5, इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो उसका रिजल्ट आया अगले बच्चे को पास ऑन कर दिया और उस बच्चे को कहा अपना प्राइम सोचो और मल्टीप्लाई कर दो, उसने 3 सोचा तो आंसर बना दिया 30। मान लो अगला जो बच्चा बैठा है उसने 7 सोच लिया, थर्ड स्टूडेंट ने, यहां तक 30 था, 30 × 7 210। ऐसे ही टेन आगे आगे चलते गए और लास्ट में पहुंचते हुए ये नंबर मिल रहा है, आपको पूछा गया है कितने स्टूडेंट्स थे क्लास में, क्या करोगे। थोड़ा सा बुद्धि पे जोर डालो, ये नंबर कैसे बना, पहले ये बताओ किन किन चीजों को मल्टीप्लाई करके बना। प्राइम अगर नंबर्स को मुझे वो प्राइम नंबर अब ढूंढने हो कि कौन से हैं तो कैसे ढूंढूंगी। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम परफेक्ट, फैक्टराइजेशन बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कर दो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए जरा क्या मिलता है। पहले ये बताओ समझ में आया सबको, ये नंबर कि प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से मिल रहा है, कितने प्राइम नंबर हैं ये ढूंढने के लिए एक ही तरीका है कि मैं इसकी क्या कर दूं, प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन। करो फटाफट, देखिए जरा क्या करते हैं और ढंग से करना, गलत मत करना। शाबाश, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, हु इज गोइंग टू टेल मी कि क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं।
थोड़ा बड़ा नंबर है, ध्यान से करना फैक्टराइजेशन, और एक पड़ोसी का नहीं देखना है, पड़ोसी गलतियां बहुत करवाते हैं, इसलिए सिर्फ अपने दिमाग के ऊपर भरोसा करना है, किसी दूसरे का दिमाग नहीं यूज करना, अपना दिमाग लगाना है। मैं पहले स्टेप में 2 से करेंगी और आंसर आता है 8 6 6 4 5, ना बेटा दोबारा चेक करो, मैम 8 6 6 2 5 आएगा, 8 6 6 2 5। 2 5। अब पहले मुझे बताओ, जब आप 2 से डिवीजन करते हो तो ऐसे करके करते हो? मैम एट नहीं, सिक्स सिक्स टू फाइव पहले मेरी बात का जवाब दो, ऐसे लिख के ऐसे करते हो या ऐसे अपने आप ऐसे भी कर सकते हो? बड़ा नंबर होगा तो डिवीजन मेथड से करते हैं। बड़ा नंबर हो तो डिवीजन मेथड से कोशिश किया करो, जब आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम बहुत होता है आप लोगों के पास जो इधर उधर तुम लगाते हो, कि हम ऐसे डिवाइड ना करके मेंटल कैलकुलेशन करें, आगे चल करके इन चीजों का बड़ा बेनिफिट होता है बच्चों। जब बड़ी क्लास में पहुंच जाएंगे तो ऐसे थोड़ा ना डिवीजन करने बैठेंगे, नहीं करेंगे ना। हाँ तो थोड़ा सा कोशिश किया करो, जस्ट गिव इट अ ट्राई, घर बैठे हो कोई भी 5 मिनट मिल रहे हैं, 10 मिनट मिल रहे हैं, गेम से फ्री हो जाए, फुर्सत मिल जाए टीवी से और इधर से उधर से, तो दो दो क्वेश्चन वैसे ही ट्राई कर लिया करो कि मेंटली हमने कैलकुलेशन करनी है। चलो अभी हम पहले ऐसे करते हैं, ऐसे दोनों तरीके से करके देखते हैं। पहला क्या होगा, 2 8 16, 1 3 2 6, ट्वेल्व देन अगेन 2 6 5, इसी बार 3 से डिवाइड करके 2 8 8 7 5 आ रहा है। कोई बात नहीं, पहले एक बार एक स्टेप कंप्लीट कर ले बेटा। 2 5 10, तो पहला प्राइम फैक्टर था 2 और डिवीजन से आया 8 6 6 2 5। अब अगला प्राइम, ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, ये बात तो हमें समझ में आ रही है, सो नेक्स्ट प्राइम जो है वो क्या है हमारा, 3 से डिविजिबल है, पहले तो चेक करो। चलिए 3 से डिविजिबल है, 5 + 2 7, 13 19, 27, 3 से डिविजिबल है। चलिए जी करिए जरा 3 से डिवाइड और बताइए क्या आएगा। मैम 2 8 8 7 5, 2 8 8 7 5, 2 8 8 7 5, तारों को आ रहा है, पहले ये बताओ मुझे। टू एट एट सेवन फाइव, फाइव। किसका नहीं आया हाथ खड़ा कर दो, 2 8 8 7 5, जिसका नहीं आया है। सबका आ गया है, चलो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। लो जी 2 8 8 7 5, अब फिर से चेक करें क्या ये थ्री से करेंगे दोबारा, थ्री हो जाएगा 3 से। से ठीक है जी 3 से डिविजिबल है, करो। 2 8 8 7 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? मैम 9 6 2 5, 9 6 2 5। बाकियों को करने दो, एक ही बच्चा बोलेगा तो बाकी करते नहीं है, वो आंसर सुन के लिख लेते हैं। लेट अदर्स ऑल्सो ट्राई। हाँ जी 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 3 9 27, 1 3 9 6 2 5, 9 6 2 5, 9 6 2 5, 2 5, 3 से डिवीजन किया 9 6 2 5। अब बताओ जी क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि 9 + 6 15 + 5 20 + 2 22 हो गया, नहीं रहा। अब कौन सा प्राइम दिख रहा है जिससे डिविजिबल है? कर दो 5 से डिवाइड, फिर कर लिया 2 मिनट वेट करना, भी बोलना नहीं है, लेट अदर्स ट्राई। नाइन सिक्स टू फाइव को 5 से डिवाइड करना है, 1 9 2 5, 1 9 2 5, 5 1 5, 1 9 2 5, 1 9 2 5।
ये लॉन्ग डिविजन आपके लिए करके दिखा रही हूँ, वैसे ऐसे काम करना नहीं चाहिए, वी शुड बी एबल टू डू मेंटली। चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा क्वेश्चन, गलत नहीं करना। मैम फिर 5 से कट कर 385 आएगा, 5 आएगा। फिर से 5 से डिवीजन होगी क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, और 5 से जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 3। 5 5 3 15, 9 - 5 4, ये बन गया 42, 5 8 40, 385 चला गया 25, 5 5 25, सो आया 385। अब इसका प्राइस 77 5 से फिर करेंगे, 5 7 35, 38 - 35 3, दिस बिकम्स 35, 5 7 35। हम 7 by 11। बिल्कुल ठीक है जी। इसका मतलब मेरा जो नंबर था 17 3 2 5 0, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 3, 5 आ रहा है 3 times, फिर 7 और फिर 11। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ध्यान से पढ़ने हैं क्वेश्चन और ध्यान से ही आंसर करने हैं, जल्दी कोई है नहीं, सोच समझ के आंसर करना। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? कैसे आंसर मिलेगा अब मुझे? प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर ली, अब मुझे कितने? एट। एवरीबॉडी सेज एट। मैम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, शुरू से पढ़ो। सेवन सेवन, वाई सेवन, वाई सेवन? देखो जी, टोटल फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है जी। लेकिन ये 2 किसने बताया था? टीचर ने बताया था, ये स्टूडेंट ने नहीं बताया था। यहां पर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें दोनों आंसर्स दिए हुए हैं, ध्यान से समझ लो। टोटल प्राइम फैक्टर 8 आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनमें से ये वाला नंबर किसने बताया था? टीचर ने। बाकी टीचर के जो नंबर हैं वो स्टूडेंट्स ने बताए। तो कितने स्टूडेंट हुए? इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है केस स्टडी में वो क्या है? डी। हाँ, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय एनी स्टूडेंट? सो आंसर इज 11। यहां पर हाईएस्ट प्राइम 11 आ रहा है मेरे पास। फिर व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स? फिर से क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया, क्वेश्चन अगर होता व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड, फिर आंसर होता, फिर आंसर था 2। अब यहां बोल दिया गया व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ने ये वाले प्राइम यूज किए हैं, ये तो टीचर ने दिया था। सो स्टूडेंट्स ने जो लीस्ट प्राइम यूज किया वो क्या है? 3। नेक्स्ट है, विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? 5 3 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, ये तो बेचारे एक एक बार ही आ रहे हैं। फिर दिया विच नंबर हैज बीन यूज्ड अ मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दोनों हैं 7 और 11, दोनों एक एक बार, लेकिन ऑप्शन में 11 दिया ही नहीं है, सो आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है जी, तो केस स्टडी समझ में आ गई सभी को? इसका मतलब क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी, और प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको क्वेश्चंस करते हुए थोड़ा ध्यान देना था, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है, तो जो एक नंबर टीचर ने दिया वो कंसिडर नहीं करना, करोगे तो सारे क्वेश्चंस में गड़बड़ होती चली जाएगी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट मॉड्यूल का पहले हम करेंगे असर्शन रीजन एमसीक्यू, उसके बाद फिर केस स्टडी पहले हमने करनी है।
assertion reason. assertion है आपके पास लास्ट फोर टू हाँ जी हाँ जी बोलो बेटा. मैम केस स्टडी के फिफ्थ क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि स्टूडेंट ने ही यूज किया वो नंबर. विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स बाय स्टूडेंट्स लिख लो, क्योंकि फिर टू भी आंसर हो सकता है. बात ठीक है, क्योंकि दो भी एक बार आया है और आपका सेवन और इलेवन, तीन ऐसे प्राइम नंबर है जो एक एक बार आ रहे हैं. टू इज बीइंग यूज्ड बाय टीचर, सो इसको करेक्शन कर लेते हैं. विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड अ मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स बाय स्टूडेंट्स. ठीक है जी, करेक्शन कर लेते हैं ताकि कोई हमें कंफ्यूजन ना रहे. आंसर उस केस में सेवन हो जाएगा. चलिए जी, असर्शन रीजन पे चल रहे हैं हम अगले. नेक्स्ट मॉड्यूल का असर्शन रीजन, लास्ट फोर टू डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 12. आपसे 12 के मल्टीपल्स नहीं पूछे गए, आपसे कहा गया दो डिजिट के मल्टीपल्स, लास्ट के चार. क्वेश्चन समझ में आया? पहले ही बताओ, टू डिजिट नंबर हमारे 99 तक हैं. पीछे से शुरुआत करो, अब 99 से चलते जाओ पीछे की तरफ और चार मल्टीपल्स 12 के बताने हैं. आर दे 48, 67, 22 एंड 84, इज इट करेक्ट और नॉट? समझ नहीं आया. हाँ, मेरे को पता है नहीं समझ में आया, इसीलिए मैं रुकी हुई हूं अभी. देखो जी, हमने क्या बताना है, एक एक और एक बात है, मुझे कहा जाए 12 के मल्टीपल्स बताओ, तो आप 12 फिर 24 फिर 36 ऐसे 12 का टेबल वाला काम करना शुरू कर दोगे. ठीक है, आपको कहा जा रहा है 12 के टू डिजिट वाले लास्ट के चार मल्टीपल बताओ. एक काम करते हैं, पहले 12 के मल्टीपल लिखना शुरू करते हैं. चलो लिखवाओ जरा 12, बोल दो अगला. आपकी वॉइस नहीं आ रही. मेरी आवाज नहीं आ रही है? इसको कौन से सेक्शन में नहीं आ रही आवाज मेरी? मैम हाँ जी, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही थी पहले, अब आ रही है? यस. चलिए 12 के मल्टीपल्स बोलो फटाफट से. 24, 48, 87, 64, 84, 100, 100, 100, 100, 100, 100. अब मुझे बताओ मेरे से क्या पूछा गया है, कितनी डिजिट के मल्टीपल्स? टू टू डिजिट के मल्टीपल, मतलब इनकी तो मुझे वैसे ही जरूरत नहीं है, तो वैसे ही लिख दिया मैंने. और फिर अगली बात क्या बोली गई, लास्ट फोर, लास्ट के चार दो डिजिट के मल्टीपल 12 के, कौन से बने बच्चों? 84, 96, 84, 72, 60. तो मेरे पास लास्ट के चार दो डिजिट के 12 के जो मल्टीपल हैं वो कौन से हुए? 60, 72, 84, 96. लेकिन यहाँ पर दिए गए हैं 48, 60, 72 एंड 84. अभी सबको समझ में आया? चलो फिर रीजन पे चलते हैं. द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट. हमें मालूम है किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, लेकिन मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं. तो असर्शन हुआ ट्रू, सॉरी असर्शन हुआ फॉल्स, रीजन असर्शन रीजन तो अच्छे से आ गया, अब आप लोगों को करने है ना. ठीक है जी, अगला असर्शन रीजन पे चलते हैं. एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज 36. निकालो फटाफट 12 और 18 का एलसीएम, जल्दी करो जरा, देखिए जरा कौन बता रहा है मुझे सही से. 12 और 18 का एलसीएम कंबाइंड फैक्टराइजेशन कर लो, चाहे इंडिविजुअल करके निकालो, जैसे भी. True. True.
assertion true. True, assertion true. Lowest common multiple of two or more given number. Lowest of their common multiples. हाँ तो ठीक है, ये एक ही बात को कही जा रहा है बार बार से. तो assertion भी true है, reason भी true है, और correct explanation ए पार्ट ए पार्ट. 12 और 18 का LCM, अगर ऐसा कोई बच्चा जिसका नहीं आया हो तो कृपा करके बता दो मुझे. एनीवन हु इज नॉट एबल टू गेट द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, सभी सेक्शंस में सभी बच्चों को आ गया एलसीएम 12 और 18 का? Yes. फिर हम कर नहीं रहे हैं इसको, हम चलते हैं एमसीक्यूज पर. पढ़ो जरा पहला एमसीक्यू, ये बिल्कुल आसान है, आपने ऑलरेडी किया हुआ है. देखिए जरा किस किस को आता है. यू हैव ऑलरेडी डन दिस एमसीक्यू. थ्री बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम अ सेम स्पॉट, देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स. क्वेश्चन क्या है, तीन बच्चे हैं, एक साथ चलना शुरू किया, एक का स्टेप बड़ा है एक का छोटा है. एक बार चलने में, एक स्टेप में, एक स्टूडेंट, एक लड़का कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 63 सेंटीमीटर. जब आप चलते हो, जब आप चलते हो तो एक स्टेप जब आप चले तो कुछ डिस्टेंस कवर करते हो ना. तो फर्स्ट बॉय कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 63 सेंटीमीटर का. दूसरा 70 सेंटीमीटर का और तीसरा 77 सेंटीमीटर. ठीक है जी. अब आपको बोला गया व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंसेस इन कंप्लीट स्टेप्स. कंप्लीट स्टेप का मतलब, अगर एक एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर का. सपोज माय डिस्टेंस इज 100 सेंटीमीटर, तो जो एक स्टेप में 63 सेंटीमीटर चला चला, क्या वो दूसरा स्टेप कंप्लीट कर पाएगा अपना? नहीं कर पाएगा, क्योंकि 63 सेंटीमीटर तो उसने एक ही बारी में कवर कर दिया एक स्टेप के अंदर, बाकी कितना बच गया बोल दो? 47. उसको अगला स्टेप कंप्लीट करने के लिए 63 सेंटीमीटर की जरूरत थी, लेकिन बचा ही 37 है, तो बेचारा अगला स्टेप चल ही नहीं पाएगा. आधा स्टेप ऐसे बीच में खड़ा हो जाएगा, जगह ही नहीं है उसके पास चलने के लिए, है ना. ऐसे दूसरा स्टूडेंट जो 70 सेंटीमीटर कवर कर रहा था उसके पास सिर्फ 30 सेंटीमीटर बच गया. तीसरा जो 77 कर रहा था उसके पास और भी कम जगह बच गई बेचारे के पास, है ना. अब आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस हो ताकि हर एक बॉय कंप्लीट स्टेप्स चल पाए, कहीं बीच में नहीं खड़ा होना पड़े, पूरे पूरे स्टेप हो जाए उसके. मैम ए पार्ट. एक ही बच्चा बार बार आंसर करेगा ना, तो बाकी क्या करेंगे मुझे ये बताओ, है ना. निकाल लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं जिसको पूछूंगी वो मुझे आके कॉन्सेप्ट बताएगा क्या लगाया है और कैसे आंसर निकाला है. आ, 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 हम बुला रहे हैं 6th B से सुखनूर कौर. हाँ जी 6th B. हाँ बोल बेटा, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी बेटा. मैम ए सेक्शन में है वो. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ए सेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं, खड़ा हो गया वो मेरे को ये बता रहा है कि क्या करना है मुझे. मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी बेटा, माइक आपका वर्क नहीं कर रहा. मैं भी चलो कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही बेटा, किसी और को पूछ के देखते हैं फिर. लेट अस आस्क फ्रॉम समवन एल्स. 6th E से अभिजोत. हाँ जी गया. अच्छा 6th E से लवदीप. जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, फटाफट भाग के, टाइम कम रह गया हमारे पास, 2-3 मिनट है, जल्दी से. हाँ बच्चे बोलो, क्या करना पड़ेगा मुझे, कैसे निकालूं कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए? मैम एलसीएम.
LCM, least common multiple, बिल्कुल ठीक है. अगर मेरे पास जो complete distance है वो multiples हो जाएं तीनों के, 63 का भी multiple हो जाए, 70 का भी और 77 का भी, तो मैं पूरे step चल सकती हूँ. So I have to LCM of 63, 70 and 77. निकालो जरा जल्दी से, क्या निकालते हैं. ओके, आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स फ्रॉम ऑल. हाँ जी, आ गया सभी का. सबसे पहला कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? चलो, दो से ये एक नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम ले लेते हैं. ये हो गया 35, देन 77. आगे चलिए जी. थ्री से होगा, थ्री से भी एक ही नंबर हो रहा है. थ्री टू जा थ्री वन जा, दिस इज 35, दिस इज 77. आगे चलिए जी. थ्री से करेंगे 7, 35, 77. आगे चलिए. फाइव से करें तो ये 7, ये 7, ये 77. सेवन वन वन इलेवन, देन इलेवन. एलसीएम इज 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11. व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग? 930. बिल्कुल ठीक है. फर्स्ट पार्ट आपका आंसर बन रहा है, दैट इज 6930 सेंटीमीटर. ठीक है जी, तो आज हमने जो कुछ किया वो सबको समझ में आ गया? ओके जी, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द क्लास. बाकी हम इसको कंटिन्यू करेंगे. बाय मैम. बाय बाय. बाय बच्चों, बाय.